मान लीजिए कि प्याज जो है करेंसी होती तो क्या होता भाई, आप जाते आलू की दुकान पर और बोलते कि भाई 1 किलो आलू जो है वो मुझे चाहिए, तो आपको उसके बदले में क्या दूं? तो सामने से जो है भाजी वाला भैया बोलता कि भाई मुझे आप दे दीजिए 11 प्याज। सो इन मेडिविल पीरियड्स एक्चुअली होता क्या था कि अनियन को एक करेंसी की तरह यूज़ किया जाता, एक्चुअली पैसे की तरह, इतने अनियन ले लो और ये दे दो, इतने अनियन ले लो और वो दे दो। सो इट्स एक्चुअली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग और बड़ी अनोखी बात है। इसी अनोखी बात पर हमारी आज की अगली रेसिपी, जिसका नाम है अनोखी फिरनी। प्याज को बारीक बारीक काट लीजिए, काटने के बाद 4 से 5 बार अच्छे से ठंडे पानी से धो लीजिए, बर्फ में चाहे तो डिप कर लीजिए और देखिए उसका पानी जो है काफी क्लियर निकलेगा, बहुत ज्यादा मिल्किश नहीं होना चाहिए। जितना आप ठंडा करके प्याज को धोएंगे उतनी जल्दी वो अपना जो एक पंजेंट फ्लेवर होता है उसको लूज करना चालू करेगा। करीब 1 लीटर दूध है ये, फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल करिए। फुल क्रीम दूध लेने का एक फायदा है वो ये है कि भाई दूध जो है जब जमता है और ठंडा होता है तो बहुत ही क्रीमी फ्लेवर देता है। मोगरे के फूल, इससे दूध के अंदर एक ऐसा फ्लेवर आएगा जो अनियन के फ्लेवर को पूरी तरह से काउंटर कर देगा। और इसके स्वाद को और ज्यादा बढ़ाने के लिए 1.5 चम्मच गुलाब जल और साथ में 1 चम्मच केवड़ा। दिखने में दोनों एक जैसे होते हैं लेकिन केवड़ा हमेशा कम डालिए क्योंकि ज्यादा डालने से कभी कभी वो कड़वा भी कर देता है आपकी रेसिपी को। 2 से 3 इलायची, साथ में सूखी हुई गुलाब की पत्तियां, ये भी हमारे दूध को एक बड़ा खूबसूरत सा फ्लेवर लैंड करेंगी। जब तक दूध जो है एक तरह से ब्रू हो रहा है तब तक अनियन किया प्रेस, एक्सेस वाटर जो है उसे निकाल लिया, एकदम जब ड्राई हो जाए तभी इसका इस्तेमाल करेंगे। बहुत सारी कॉन्टिनेंटल कुकिंग में अनियन को हमेशा धोकर इस्तेमाल करते हैं, उससे क्या होता है कि जो हमारी एक्चुअल सॉसेज होती हैं विच आर बेस्ड ऑन मिल्क एंड चीज, तो उसके अंदर जब अनियन को हम स्वेट करते हैं तो वो एक बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट फ्लेवर नहीं आता है। सेम आइडिया इज बीइंग एम्प्लाइड हियर। इसके बाद वी विल चेक आवर मिल्क, दूध का लेते हैं अरोमा। एक्चुअली दूध का जो अपना अरोमा है वो तो आ ही नहीं रहा इसमें क्योंकि गुलाब जल जो है, केवड़ा जो है, ड्राइड रोज पेटल्स जो हैं, दे हैव एक्चुअली मेड द मिल्क इनटू समथिंग वेरी डिफरेंट, स्पेशली द मोगरा। मोगरे के बारे में एक बात और आपको बता देता हूँ, वो ये है कि अगर हम बिरयानी के चावल जब पकाते हैं खासकर अवधी क्विजीन में, तो दूध के साथ मोगरा लेकर राइस को हम उबालते हैं, उससे क्या होता है जब बिरयानी खुलती है ना तो एक बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर, अमेजिंग सा फ्लेवर आता है एंड इट गिव्स यू दैट फीलिंग कि भाई मुझे तो भूख लग रही है, सो इट एक्चुअली इंटाइसिस योर एपिटाइट। वही असर यहाँ भी होना चाहिए। सो प्याज, तो करीब 1.5 प्याज जो है बारीक कटा हुआ जाएगा इसके अंदर। अब अनियन हमें इसमें पकाना है करीब समझिए 10 से 12 मिनट, और पकाते पकाते चेक कीजिए आप कि भाई अनियन का जो अपना फ्लेवर है वो इसमें कितना आ रहा है। अगर ज़्यादा आ रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए आप केवड़ा, थोड़ा सा मोगरा और थोड़ा सा गुलाब जल और बढ़ा सकते हैं इन क्वांटिटी। शक्कर 3 से 4 चम्मच, ये पहले ना डालें, ये अनियन डालने के बाद ही डालें। काफी पका लिया, थोड़ा रिडक्शन भी चालू हो गया। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम खोया हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। 1/4 कप बारीक कटा हुआ पिस्ता इसके अंदर, बारीक कटा हुआ बादाम। पिस्ता जो है इट्स बेटर कि आप उसको पील कर लें फिर उसको चॉप करें, तो वो सॉफ्टर होता है और जो कलर है एकदम ब्राइटर होता है। नाइस मिक्स, थोड़ा सा और रिड्यूस से अराउंड 5 मिनट्स की कुकिंग और इस समय गुलाब जल और मोगरा, इन दोनों की बहुत ही प्रोफाउंड जो है खुशबू इसमें से आ रही है, विच इज टेलिंग मी कि अनियन जो है कहाँ गायब हो गया, कहाँ छुप गया पता नहीं। ये रेसिपी अनोखी बातों से तो इंस्पायर्ड थी, लेकिन आपको बता दूं कि हैदराबादी क्विजीन में अनोखी खीर बनती है जो प्याज से बनती है, एंड यू कैन वेरी प्राउडली से कि हैदराबाद की एक बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी को मैंने इस तरह से पेश किया, एकदम क्लासिकल। अब आप देखेंगे खोए की वजह से एंड बादाम और पिस्ते की वजह से दूध का कलर जो है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसको करेंगे हल्का सा गाढ़ा, विच विल टेक अराउंड 5 मिनट्स, और उसके बाद फिरनी कैसे हम सेट करते हैं। टाइम टू सेट द फिरनी, मैंने यहाँ पर मोगरा,
और बहुत सारी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया। अगर आप अपनी फिरनी में इसे नहीं चाहते बस फ्लेवर चाहते हैं इसका, तो इन सभी चीज़ों को एक मसलिन क्लॉथ में डुबा कर जब दूध उबल रहा है उसमें डाल दीजिए। जब उसका मैक्सिमम फ्लेवर आपको मिल जाए जस्ट टेक इट आउट एंड जस्ट कीप इट प्लेन विथ अनियन एंड द ड्राई फ्रूट्स। टाइम टू पोर इट। फिरनी हमने डाल दी है सकोरों में, इसको आप 10 से 12 मिनट बाहर रहने दीजिए। जब ये एकदम टेम्परेचर इसका कूल हो जाए जस्ट कीप इट इन द रेफ्रिजरेटर, जमा लीजिए 1 से 2 घंटा, उसके बाद ठंडा ठंडा सर्व कीजिए एंड एंजॉय दी अनोखी फिरनी। ये रेसिपी वाकई में अनोखी है बिकॉज इसकी प्रिपरेशन इतनी खास है कि भाई अगर आप बनाकर किसी को खिलाएंगे डेफिनेटली वो एक और हेल्पिंग मांगेंगे, इसीलिए जरूरी है कि आप इसका रीकैप देखें। टेक अ वेरी क्लोज लुक। टू मेक अनोखी फिरनी टेक 4 to 5 अनियंस एंड फाइनली चॉप देम। Dip and strain chopped onions in cold water and clean them thoroughly. In a hot pot, add 1 glass cream milk, 20 to 25 jasmine flowers, 1.5 tablespoons rose water, 1 tablespoon pandanus flower water, 2 to 3 cardamoms and 1 dried rose leaf. Mix it well. Then in a hot pot, add 1.5 finely chopped onion and cook for 10 to 12 minutes. Now put 3 to 4 tablespoons sugar in pot and add 1/4 cup dried whole milk, 1 tablespoon finely chopped pistachio and 1 tablespoon finely chopped almonds. Cook it well for 5 minutes. For presentation, take out firni from pot and place in earthen bowls. Garnish with 1 teaspoon of pistachio. Let the firni cool for 10 to 12 minutes after it is cooked. Then place the firni bowls in the refrigerator to chill. Rest it in the refrigerator for 1 to 2 hours. Take out bowls from fridge and serve. Your anokhi firni is ready to serve. प्याज के बारे में एक और मिथ है, वो ये है कि भाई प्याज को चॉप करके काट के बहुत ज़्यादा देर तक रखेंगे बाहर एक्सपोज टू एयर तो वो पॉइजनस टर्न हो जाता है। नथिंग लाइक दैट। किसी भी वेजिटेबल को, इनफैक्ट मीट को भी अगर काट कर हम बहुत ज़्यादा देर तक रखते हैं एक्सपोज टू नॉर्मल टेम्परेचर एंड एयर तो बैक्टीरिया तो उसमें आ ही जाता है। सो इट्स नॉट स्पेसिफिक अबाउट अनियन। अनियन को इन्जॉय कीजिए।